पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। गड़बड़ी और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ईकेवाईसी है। नियम के तहत सभी लाभार्थी किसानों के ईकेवाईसी करवाना अनिवार्य है। अगर किसान ये नहीं करवाते हैं तो उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ईकेवाईसी के अलावा किसान को भू सत्यापन और बैंक खाते से आधार लिंक कराना भी अनिवार्य है। अगर किसान ये तीनों दस्तावेज का काम पूरा नहीं करते हैं तो अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। वहीं फॉर्म में भरी हुई डिटेल्स को भी अच्छी तरीके से जो है चेक कर ले, एक गलती के चक्कर में किस्त अटक सकती है। कोई परेशानी होने पर किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 टोल फ्री या फिर 01123381092 पर भी संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को हर 4 माह में 3 किस्तों में 2-2 हजार करके सालाना 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है या पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ईकेवाईसी या एनपीसीआई तथा जमीन का सत्यापन अनिवार्य किया है।